जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर अब सियासत लगातार बढ़ती हुई। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना पहले बुलाया था, अगर इस बार बुलाया जाता है तो वो पहुंचेंगे, नहीं बुलाने पर तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। देंगे तो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे, अभी हरी झंडी दिखाए, वंदे भारत उसमें कौन सा सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था तो निमंत्रण भाई ऐसा है, बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान के घर ना जाएंगे। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले इसका ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पूरी चर्चा के बाद ही यूसीसी को लाना चाहिए। देखिए जब कॉमन सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट सामने रखो। देखिए मैंने उस समय जो बात कही थी ये तो टारगेट करके कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव तो हिंदुओं में पड़ेगा, आदिवासियों में पड़ेगा, सब में पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कहा, अब हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट तो लाओ, आप कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं उसमें ड्राफ्ट क्या है, तो जब ड्राफ्ट आएगा तो कंडिकावार हम चर्चा करेंगे, तो ड्राफ्ट पहले जनता के बीच में लाए तो लाए उसके बाद बात करेंगे, बचत बात बात। और केंद्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बयान, उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं झूठ परोस कर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह आए बोलकर चले गए, माओवाद बढ़ रहा है, गृहमंत्री बोलकर चले गए कि धान हम खरीदते हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले केजरीवाल सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृहमंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। दूसरा, कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह रहे नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उससे झूठ तो ना बोलवाएं। और अब चूंकि नक्सलवाद उनके विभाग का नहीं है, और कल धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे वो भी उनका विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे भी झूठ बोलवा रहे हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रमन सिंह को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है कि रमन सिंह के दिमाग में केमिकल लोचा है, सीएम का चेहरा कौन वो पार्टी तय करती है, सामूहिक नेतृत्व तो रहता ही है, यही बात मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर से कही गई। रमन सिंह को मैं बताना है, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, चाहे चिंता कर रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है वो पार्टी तय करेगी, मैं पहले से बोल रहा हूँ उसे प्रधान कौन। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां होटल में युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, युवक ने आत्महत्या की थी और इस मामले को लेकर रायपुर से महिला बैंककर्मी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप इन पर लग रहा है, कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सूरजपुर का यह पूरा मामला जिसमें होटल में रहकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उस युवक को आत्महत्या के लिए दोनों ने ही उकसाया है। और देशभर की तरह मुंगेली में भी टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। जिले में टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है, जहां टमाटर के साथ दूसरी सब्जियों के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों के बढ़े हुए दाम ने किचन का जायका बिगाड़ दिया है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है। लोग पहले सब्जियां बड़ी मात्रा में खरीदते थे, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खरीद रहे हैं। मुंगेली जिले में भी टमाटर के रेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और बेतहाशा वृद्धि होने से लोगों का जहां बजट बिगड़ा है, वहीं टमाटर ने लोगों का स्वाद भी बिगाड़ के रख दिया है। मैं बता दूं कि इस समय हम मुंगेली के एक सब्जी मंडी में हैं, जहां देख सकते हैं कि टमाटर का जो आज रेट है 120 रुपए किलो बिक रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी हो रही है। दुकानदार हमारे साथ हैं, किस तरह रेट और किस तरह आवक हो रही है? आवक बहुत कम हो गया है, हम लोग
जो पहले हम 8 कैरेट 10 कैरेट बेचे तो आजकल एक ही कैरेट में संतुष्ट हो रहे हैं। बहुत महंगा जैसे 2425 रुपए खरीदी हो गया मंडी में। अभी आज क्या भाव है टमाटर? आज हम लोग लाए 2425 कैरेट में। तो किलो में बताएं? लगभग 90-95 रुपए के आसपास हम लोग पड़ रहे हैं। क्या रेट बेच रहे हैं? 100 रुपए के आसपास, 100-120। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जी मंडी में 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह जो टमाटर या दूसरी सब्जियों के रेट बिक रहे हैं, किस तरह बजट आज की तारीख में सब्जी बहुत आसमान छू रहा है। टमाटर का रेट अभी वर्तमान में आज के डेट में 120 रुपए किलो, बरबट्टी सब्जी 80 रुपए किलो, करेला 90 रुपए किलो, भाटा 50 रुपए किलो, मिर्ची हरी मिर्ची 200 रुपए किलो। इस तरह सब्जी का रेट बहुत आसमान छू रहा है और किसानों के लिए सब्जी लेना बहुत निर्भर हो गया है। जो रेट किलो लेते थे वो रेट पाव सिमट गए हैं। आज के रेट को सुन करके सब्जी 40 किलो मानो 20 किलो का। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने किस तरह लोगों का स्वाद बिगाड़ा है और न केवल टमाटर, इसके साथ साथ अदरक मिर्ची बरबट्टी दूसरे भी जो भी सब्जियां हैं वो कोई भी सब्जी 100 रुपए के नीचे नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सब्जियों के बढ़े दामों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खान शर्मा जी। इधर मनेन्द्रगढ़ जिले में भी टमाटर के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले में 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। टमाटर के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। लोग पाव भर भी टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से टमाटर के दाम में जो तेजी आई है, वहीं साथ ही साथ बाजार में टमाटर का आवक अब कम होता जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है। और इस वजह से आप ये माने कि टमाटर और लाल हो रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ में पिछले बीते दिनों 5 से 6 दिन से लगातार बारिश होने के कारण टमाटर में अचानक जो है वृद्धि हुई है। आम हो या खास, सभी के किचन से टमाटर गायब हो सका। आप देख सकते हैं ये टमाटर है और लगातार यहाँ पे लोग जो है रेट सुन के चले जा रहे हैं, या फिर जो 1 किलो 2 किलो लेते थे वह 1 पाव ले रहे हैं। क्या भाव है टमाटर का? 120 रुपए किलो भैया। अचानक कैसे बढ़ गया? मंडी में क्या रेट चल रहा है? मंडी में 2500 रुपए की रेट चल रहा है। देख सकते हैं कि लगातार जो रेट जो बढ़ गए हैं और मंडी का भाव भी है वो बता रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कितना ले रहे हैं टमाटर? 1 पाव। क्या है अचानक आप 1 पाव ले रहे हैं? महंगाई बढ़ गई है इसलिए 1 पाव ले रहे हैं। महंगाई बढ़ गई और भी कुछ जो है सब आप टमाटर के अलावा और कुछ भी लिए? देख सकते हैं कि महिला है और 1 पाव टमाटर लिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैडम कितना टमाटर ले रहे हैं आप? मैंने 1/2 किलो लिया है टमाटर। इतना रेट बढ़ गया है, आप मतलब बैलेंस तो करना होता ना बजट को। आप किचन का बजट कितना हाई पे लेके जाओ, कोई भी सब्जी है वो बिना टमाटर के बनेगी नहीं। तो हमको अपना बजट भी देखना होता है कि सिर्फ टमाटर ही खाएं, सब्जी खाएं कि क्या खाएं। दाल के रेट अलग है तो बैलेंस करने के लिए उसको कम करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं हैं जो गृहिणी संभालती है, वह 1 पाव या 1/2 किलो टमाटर ले रही हैं, जो कि पहले 1 किलो या 2 किलो लेते थे। ऐसे आम हो या खास, सभी के किचन से जो है टमाटर गायब हो गया है। अब थालियों में टमाटर जो है नहीं मिल रही है। सुजीत शाह, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरान गांव के फुटबॉल क्लब के बच्चों से मुलाकात की है, उनसे संवाद किया है। राज्य का क्लब जो कि बताया जा रहा है कि रोशन करने के लिए फुटबॉलर्स को पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पकरिया गांव बुलाया गया था। यहां पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बच्चों से बातचीत की तो गजब नजारा सामने आया, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलते हैं या बच्चों से मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। उनसे संवाद भी किया है, पूछा है कि अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो उसके निराकरण के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अक्सर इसी तरह के आश्वासन के साथ प्रधानमंत्री मिलते हैं और आगे भविष्य को लेकर उन बच्चों ने क्या सोचा है उसको लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा दोनों के बीच हुई होगी। राज्य का नाम रोशन करने वाले फुटबॉलर्स को पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पकरिया गांव स्पेशली बुलाया गया था और यहां पर जब पीएम मोदी उनसे मिलते हैं बातचीत करते हैं तो उत्साहवर्धन का काम भी प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ है। सर, शहडोल संभाग में नए नए क्लबों का गठन किया गया सर, करीब 1000 क्लबों का। 1000 क्लब? जी सर। वाह, देखिए जितने प्रकार के बुराई आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी है सर, हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ।
जी सर, हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी में बोला जाए तो सभी के खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। अच्छा। जी सर, देखिए मेरे लिए भी ये बड़ा सुखद अनुभव है। मैं बताता हूँ कि हमारी पूरा यानी 2-3 पीढ़ी एक खेल के पीछे इतना पागलपन हो, और उसके कारण एक हर प्रकार के और गांवों से जहां खेलते होंगे उसका वातावरण ही अलग होगा, उसका मिजाज अलग होगा। आपके चेहरे पर आपका कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूं। ये एक बड़ी ताकत आप लोगों ने प्राप्त की है जी। मैं तो आप सबको सलाम करता हूं। मैं एरोबिक्स डांस एरोबिक्स अच्छा और जुम्बा और डांस का फिजिकल ट्रेनर भी हूं। तो फिर तो आपके यूट्यूब पर भी होंगे डांस आपके? जी सर है। हैं? जी सर। हाँ तो मुझे बता दीजिए भाई कौन सा यूट्यूब है आपका? सर मेरा अभय पासवान के नाम से यूट्यूब चैनल है। देखना पड़ेगा मुझे कैसा डांस करते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।